खाप से नफरत हो गई। अच्छा अमल के नहीं थे कोई कमी। जेडी इसलिए चुने हैं, बीजेपी 10 साल रहा कुछ नहीं किया हम लोग के लिए, अभी भी वही सिचुएशन है, लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, पैसा के जगह वहाँ से डेड बॉडी आता है, क्या गुजरता है, मतलब क्या स्थिति होता है घर वाला को। लोग नया नया शादी कर रहा है, लोग चाहता है कि शादी करने के बाद कम से कम 4-6 महीना घरे रहें। पापी पेट का सवाल ऐसा है कि लोग अपना बीवी के पास 15 दिन भी टाइम नहीं बिता पा रहा है, तब तक ले पैसा का मजबूरी बाहर बिठा दे रहा है। अब बाहर जाने का बस यहाँ दिल्ली गुजरात मुंबई उतना दूर दूर लोग जा रहा है। ये जनता पार्टी झूठा साबित हुआ, गरीबों का तंग करने का रास्ता निकाला और कई योजना 2014 और 2019 में बोल कर चले गए और एक भी योजना धरातल पर नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी और आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने केतार प्रखंड के बलगढ़ पंचायत के चचरिया टोला में आया हुआ हूँ और यहाँ पर लोगों से मिलकर जानते हैं कि अगली बार एक किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर क्या बोलिए, क्या क्या नाम है आपका? सरकार रहब सब चीज अच्छा से चलत बा, काहे लालटेन छाप के दोस्त बढ़िया कइले तबे ना अबरी बढ़िया कहतिया। अच्छा का ऐसा हो गिला कि लालटेन छाप के दोस्त ओ हमर लालटेन छाप से फुल छाप से। अच्छा फुल छाप कमल के नहीं के कोई कमी आत कर खाली काला धन नंत रहन और कितना कितना पैसा कितना कितना के करो पैसा दे खाता में आज ले सब खाता खंगवा में रख। मोदी जी तू जब हाल अंकि के आओ माई माई छाई काला धन लेके आई, काला धन तो देखो ना तो यहाँ अभी हम नहीं देखा दिया, अब क्या करें तो हमें ललटेन का सपोर्ट कर दिया। क्या नाम बोली बाबा ना कहा कितना सपोर्ट कर दिया अभी अच्छा ललटेन ही किया कहा है ललटेन पर एकदम जोर दे दिया। गवर्नमेंट साहब सब बोला करेंगे गवर्नमेंट साहब पे अपने पूछा कि जिता लबा 10 लाख पार वोट ना लबा अपना बन। अच्छा तो ललटेन छाप के दे अभी। क्या नाम पड़ी रहो? हमारा नाम तो नागेंद्र राम बा। अच्छा कैसे अभी केकर बाहर बा? अबरी ललटेन छाप महागठबंधन के बाहर बा। अच्छा काहे ललटेन छाप पर? इसलिए ललटेन छाप पर लोगों ने वोट देने के लिए सोच रहा है, मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी झूठा साबित हुआ, गरीबों का तंग करने का रास्ता निकाला और कई योजना 2014 और 2019 में बोल कर चले गए और एक भी योजना धरातल पर नहीं आया। इसके कारण है और पहला कई सभा में बोल चुके कि संविधान को रद्द करेंगे, हम अपना संविधान लागू करेंगे। इतना कठिनाई से संविधान भारत का बना है और भारतीय जनता पार्टी के बगाड़ने की, इसलिए जनता उठ चुका है, अब वोट पर उतरेगा जनता। इस वर्ष 2024 में बीजेपी को भगाओ और देश बचाओ, ये जनता का नारा, किसान मजदूर का नारा, महंगाई का नारा, असहाय लोगों का नारा है। और कहते हैं कि हमने 4 लाख का बीमा किया, स्वास्थ्य बीमा बनाए, गैस सिलेंडर दिए, 5 किलो चावल दिए, ये सरकार ये माननीय मनमोहन सरकार का देन है। चावल और गैस तो दिए ना रहे हैं, ये चावल और गैस से प्रलोभन है, इस प्रलोभन से जनता सक्सेस नहीं हो पा रहा है, ये कारण है। इसलिए महागठबंधन का पूरे देश में लहर है, अभी पूरे देश में लहर जनता ने दिखाएगा ये 2024 4 जून के इसका फैसला हो रहा है, ये जनता उठ चुका है। क्या नाम पड़ेगा? बोलिए अभी बाहर है यहाँ लहर लहर का है, हम लोग तो आरजेडी का है, वोट दे रहा है। अच्छा काहे मन में बताइए कि इतना सब मोदी मोदी कर रहा है 10 साल हो तो हमने देखा कि कोई बात बना देख लीजिए, जो उनका कोई कार्यक्रम नहीं, कोई काम हुआ
किसान के तो मोदी जी 2000 रुपया 2000 रुपया साल में 6000 रुपया देते हैं, तो साल में 6000 रुपया मिलता है कि नहीं मिल रहा है, दे रहे हैं। 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी कितना महंगा है। अच्छा, पहले कितना सस्ता था, अभी कितना महंगा है। अभी 1400 रुपए 1100 रुपए हम लोग दे करके ला रहे हैं गैस। इसलिए हम लोग मानता है भुजिया खाई देना है, 600 के जगह पर 1200 कर। बोलो का नाम बोले, जोगेंद्र का। कब अगली बार केकर वोट दो दिया मानता भुजिया की गरीब के ओकरा रोटी कपड़ा मकान देवे के चाहिए, हर चीज का फैसिलिटी देवे के चाहिए। जगह सब चीज का कमी है, हर चीज का कमी है, लेकिन हम लोग का पूर्ति नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी महिला भी है, महिला राशन दो जिताओ चाहती है मोदी जी, राशन दो हथिन, पेंशन दो हथिन, और साल में किसान के 6000 रुपया दो हथिन। तब रहने की राशन देते बड़े तो 5 किलो नहीं देते तो बड़े, हमें 25-30 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए। मान लो 5 किलो हम कहे दिन खाई ला, हम उनके के बता काम धंधा नहीं रोन दे ला सारा, हम उनके पूछ ले के हम लोग बोल ला देता। अच्छा, हम काम धंधा कहां करे जे पूरा है। अरे मिल वो कर लेते कौन से दिन है, एक दिन दो दिन नहीं ले उतना से मन जी जाए। आप देख सकते हैं कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा अभी पूरे देश में रोजगार को लेकर के बना हुआ है, खासकर पलामू प्रमंडल में। तो रोजगार को लेकर के एक भी समस्या, मतलब एक भी कुछ ऐसा प्लांट नहीं है, ऐसा रोजगार का साधन नहीं है। चलिए और लोग, और महिला लोग से भी हम जानते हैं। कहाँ नाम पड़ी रहा हूँ। अच्छा, निर्मला देवी कहा चुनौती है आप। अच्छा, लालटेन साहब को कहा चुनौती कहा है, ममता मोदी जी राशन दो थी, मकान दे रहा है, महीना में हम लोग 5 किलो खाते हैं। अब कुछ काम धाना रोगन कर कुछ काम नहीं कर रहा, कोई रोजगार नहीं दिया, क्या चाहे मर सर। एकदम पानी पीने में भी मर जाते हैं सन, जब पक कल हमन के धसा। चलो और लोगों को हम जानते हैं का नाम पड़ी रहा। अच्छा, केकर अब्रिज है क्षेत्र में नहीं दे रहा है, बाहरी वाला क्षेत्र में पूरा लेडीज काम कर रहा है, घर का लालटेन छाप के दे काम एक से एक है। अगर तो मोदी जी मार देले हथिन राशन, आवास बनवेले हथिन सब गरीब के। तरह सर के कहा तो होती है, अच्छा मैंने मोदी जी पर पढ़ा लिखे, मोदी जी जितना ध्यान मैंने मोदी जी घर चलावत ना, ये आवास मिलल बा, पेंशन मिलल बा, कितना उम्र पड़ल बा। अच्छा, 40 होगी। चलिए और लोग से हम जानते हैं यहाँ पर। बोलिए क्या नाम पड़ेगा। अच्छा, क्या है इसका अभी के किसको वोट कर रहे हैं। हम लोग के गठबंधन के हैं, गठबंधन के
विकास नहीं हुआ, एक बार जनता भी तो आए नहीं, उस प्रत्याशी को हम लोग वोट क्यों देंगे। तो मार घूम के आए कि अभी सब युवा लोग नहीं, युवा के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। अच्छा, जो भी है उन लोग का बस अपने बारे में सोचेंगे, अपना विकास देखेंगे। गरीब को कहा नहीं है तो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का सिर्फ फैसला है, काम नहीं है। सब गरीब के आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। आवास आया था, आवास भी बंद हो गया 2020 के बाद, फिर आवास आया था ना, चार साल इधर हो गया। आप बताइए कहाँ आवास आया फिर उसके बाद? आवास नहीं आया। नहीं, बोल रहे हैं कि हम सबको राशन दे रहे हैं 5 किलो। एक पाँच किलो राशन एक जुमला है, 5 किलो राशन से आदमी को काम नहीं चलेगा। उनको रोजगार होना चाहिए। केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार ने लगभग 2 करोड़ वादा किए थे नौकरी के, इन कहाँ नौकरी दिए आप बताइए? नौकरी नहीं दिए। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कुछ काम नहीं है। मेरा नाम सुखराज यादव है। अच्छा, क्या इस बार किसका लहर चल रहा है? इस बार तो आरजेडी का लहर है, आरजेडी का लहर है। बीजेपी का तो 10 साल हम लोग समय दिए, कुछ नहीं कर पाए, और इस बार कुछ अलग करने का प्लान है, इसलिए लोग आरजेडी को चुना है, तो हम भी आरजेडी को चुने हैं। आरजेडी इसलिए चुने हैं, बीजेपी 10 साल रहा, कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। अभी भी वही सिचुएशन है, लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, पैसा के जगह वहाँ से डेड बॉडी आता है, क्या गुजरता है, मतलब क्या स्थिति होता है घर वाला को। लोग नया नया शादी कर रहा है, लोग चाहता है कि शादी करने के बाद कम से कम 4-6 महीना घरे रहे। पापी पेट का सवाल ऐसा है कि लोग अपना बीवी के पास 15 दिन भी टाइम नहीं बिता पा रहा है, तब तक ले पैसा का मजबूरी बाहर बिठा दे रहा है। अब बाहर जाने का बस यहाँ दिल्ली गुजरात मुंबई उतना दूर दूर लोग जा रहा है। इसलिए आदमी तो बोल रहा है कि पहले 5,000 रुपया मिलता था, अब 25 से 40,000 रुपया बाहर जाके मिल रहा है। मुझसे देखिए, जब यहाँ पे शिलान्यास भी हुआ था पावर प्लांट का, जब चुनाव का समय आता है तो सब नेता लोग बाहर आता है, किसी एक चीज़ को मुद्दा बना लेता है कि हमको आगे लाइए, हम इसको करेंगे। सबको देख लिए, अब की बार आरजेडी सरकार फिक्स है, बीजेपी गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या इस बार किसका लहर चल रहा है? देखिए, इस बार लहर चल रहा है पलामू यहाँ ममता भुइया की, और हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे पलामू के। तो पलामू से 2 बार से यहाँ पे सांसद हैं बीजेपी के बीडी राम, जो अभी हम लोग केदार प्रखंड में हैं, और केदार प्रखंड में एक भी वैसा काम कोई बीजेपी के लोग गिना दे तो हम उसका आभारी हैं, क्योंकि यहाँ के लोग या हम, मैं खुद बीडी राम को अभी तक देखा नहीं हूँ, और बीडी राम यहाँ पे आते नहीं हैं, और बीजेपी के गढ़वा जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष भी यह मान चुके हैं और विरोध कर चुके हैं बीडी राम बाहरी हैं और हम लोग इसको वोट नहीं करेंगे। लेकिन फिर आगे चल करके उनको यही कर लिया गया, इसलिए अबर बार केदार प्रखंड बलगढ़ पंचायत ही नहीं पूरे पलामू प्रमंडल के लोग ठाने हैं कि ममता भुइया जो पलामू की बेटी है उसको हम लोग लाएंगे और उसको दिल्ली संसद में भेजेंगे। और यहाँ पे अभी भवनाथपुर में पावर प्लांट बंद है, उसको चालू कराने के लिए अभी कल तेजस्वी जी भी आए थे, वो बोल रहे थे कि अगर हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग उसको अवश्य चालू करेंगे। यही बात।